जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे Realme की तरफ से इंडिया में लॉन्च हो रहे सी सीरीज के नए स्मार्टफोन के बारे में। Realme की तरफ से Realme C30 बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाला है, ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, Flipkart पर लिस्ट हो चुका है। ये वाला जो स्मार्टफोन है 20 जून 2022 को इंडिया में लॉन्च किया जा रहा है। Realme की तरफ से आने वाला एंट्री लेवल का स्मार्टफोन रहने वाला है, बहुत ज्यादा तगड़े स्पेसिफिकेशन के साथ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको अपने डैड के लिए लेना है, अपने दादाजी के लिए लेना है, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए लेना है, तो शायद आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। क्या क्या स्पेसिफिकेशन मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर आने वाला है, सारी चीज डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं। लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का, आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते भाई बातचीत को, और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। तो बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक रहेगी, प्लास्टिक का बैक, प्लास्टिक का फ्रेम, ग्लास फ्रंट आपको मिलेगा, मोस्ट प्रोबेबली फ्रंट में आपको पांडा ग्लास का प्रोटेक्शन देखने के लिए मिल सकता है। एंड प्लास्टिक जो रहेगा वो अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक यहां पर आपको मिलने वाला है, तो बिल्ड क्वालिटी में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। साथ ही साथ फ्लैट एजेस के साथ में आपको फोन मिलता है, तो प्रीमियम लुक्स भी देता है भाई। एंड ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी की अगर बात करें तो बिल्ड क्वालिटी में तो आपको शिकायत नहीं आएगी। नाउ डिजाइन की अगर बात करें तो डिजाइन को लेकर के मिक्स्ड फीलिंग्स है भाई। किन्हीं किन्हीं को बहुत पसंद आ रहा है, किसी किसी को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा भाई। एंड ऑनेस्टली अगर देखा जाए तो OnePlus 10R का फर्स्ट कॉपी लग रहा है। फर्स्ट कॉपी भी मैंने इसलिए बोला क्योंकि OnePlus 10R का डिजाइन भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं है। तो डिजाइन की अगर बात किया जाए तो टॉप लेफ्ट में आपको स्क्वायर शेप्ड कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर एक आंख बनाई गई है, एक कैमरा का सेटअप आपको मिलता है, साथ ही में एलईडी फ्लैश आपको मिल जाता है। एंड जो आइलैंड दिया गया है वो थोड़ा सा मेटालिक फिनिश पर या ग्लॉसी फिनिश पर दिया गया है। एंड बाकी का जो फोन का बैक है वो स्ट्राइप डिजाइन के साथ में आता है। मिक्स्ड सी फीलिंग है, जैसे मैंने आपको बोला ठीक ठाक आपको लग सकता है, बैक पैनल से दिखने में ठीक है, साथ ही में आपको रियलमी की ब्रांडिंग मिल जाएगी पीछे की तरफ। फ्रंट में अगर देखा जाए तो वाटर ड्रॉप नॉच है, पतले पतले से बेजल्स हैं, ठीक ठाक साइज का आपको चेन मिल जाएगा। एंड कलर्स की बात करेंगे तो ब्लू कलर में एंड ग्रीन कलर में, दो कलर्स में आपको स्मार्टफोन मिलेगा। तो दिखने में फोन डिसेंट है, बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है, बिल्ड एंड डिजाइन के मामले में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आएगी। डिस्प्ले की बात करेंगे, 6.5 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलेगा, HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में वाटर ड्रॉप नॉच वाला IPS LCD पैनल मिलेगा, 20:9 का एस्पेक्ट रेशो, 270 PPI की पिक्सल डेंसिटी एंड 60Hz का नॉर्मल रिफ्रेश रेट। डिस्प्ले के बारे में ज्यादा बात करने का कुछ है नहीं, नॉर्मल जैसा सी सीरीज में आपको डिस्प्ले मिलता है वैसा ही डिस्प्ले यहां पर दिया गया है, डिस्प्ले में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो UNISOC की तरफ से आने वाला टाइगर T612 चिपसेट यहां पर आपको मिलेगा, और ये वाला जो चिपसेट है 12 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है। एनर्जी एफिशिएंसी ठीक ठाक रहेगी, हीटिंग का इशू आपको ठीक ठाक देखने के लिए मिल सकता है। परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो परफॉर्मेंस भी आपको डिसेंट निकाल के देगा। दो कोर्स आपको 1.8 गीगाहर्ट्ज़ पर मिलते हैं A75 वाले, तो आप समझ सकते हो भाई कैसी परफॉर्मेंस मिलने वाली है। डे टू डे की परफॉर्मेंस आपको डिसेंट मिल जाएगी। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए ARM Mali-G57MC1 GPU मिलता है, सिंगल कोर का GPU है। एंड प्राइस सेगमेंट के हिसाब से आपको अच्छी गेमिंग करा देगा, प्राइस पॉइंट के हिसाब से गेमिंग का एक्सपीरियंस आपका बहुत ज्यादा खराब नहीं रहने वाला है। सो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आपको डिसेंट मिलेगी। LPDDR4X रैम यहां पर आपको मिलेगा एंड ऑब्वियसली eMMC 5.1 वाला स्टोरेज मिलेगा। सो ओवरऑल अगर बात करें तो परफॉर्मेंस का सेगमेंट भी ठीक रहने वाला है, वहां भी आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की बात करते हैं, फ्रंट में आपको एक कैमरा मिलेगा, बैक में आपको एक कैमरा मिलेगा। रियर कैमरा की अगर बात करेंगे तो 13 मेगापिक्सल्स का रियर कैमरा दिया गया है, सिंगल कैमरा सेटअप है, ज्यादा ततर बतर नहीं लगाए गए हैं भाई, छोटे छोटे दो दो मेगापिक्सल्स के छोटू वैसे भी कुछ काम नहीं आते, तो जगह ही बचा लो भाई, थोड़े थोड़े 73-73 रुपए ही बचा लिए जाए। तो रियलमी ने इवेंचुअली 140-146 रुपए बचाए हैं दो मेगापिक्सल्स के छोटू ना दे करके। 13 मेगापिक्सल्स का रियर कैमरा दिया गया है, 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 FPS पर। एंड फ्रंट कैमरा की अगर बात करेंगे तो 5 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा दिया गया है, एंड सेल्फी कैमरा से 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 FPS पर। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के हिसाब से डिसेंट कैमरा सेटअप मिलता है, वहां भी आपको शिकायत नहीं आने वाली है। अब अगर आपको दिखाना है मार्केट में कि मेरे पास में 3-3 कैमरा वाला फोन है, तो फिर ये फोन आपको पसंद नहीं आएगा, लेकिन काम वही करने वाला है जो आपका 3 कैमरा वाला फोन करता है इसी प्राइस से।
सेगमेंट में, तो मेरे हिसाब से कैमरा सेटअप डिसेंट है। बैटरी की अगर बात करेंगे 5000 mAh की बैटरी यहाँ पर आपको मिलेगी, बैटरी का साइज बढ़िया है। एंड बैकअप की अगर बात करेंगे तो एक दिन का बैकअप आपको नॉर्मल यूसेज पर आराम से निकाल देगा। वैसे भी ये फोन जो हैवी यूसेज लायक तो है नहीं, तो आराम से एक सवा दिन का बैकअप आप निकाल लेंगे। चार्ज करने के लिए 10 वॉट की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 10 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर मिलेगा। चार्ज करने के लिए माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलेगा, एटलीस्ट टाइप सी तो दे देते भाई, मतलब सारी चीजें ठीक है लेकिन टाइप सी पोर्ट होना जरूरी है। एंड यूरोप ने तो शायद कंपलसरी कर दिया है अब कि भाई साहब टाइप सी पोर्ट होना ही चाहिए, एप्पल वाले को भी टाइप सी पोर्ट देना पड़ेगा। तो रियलमी भाई टाइप सी दे देते तो क्या चला जाता, लेकिन माइक्रो यूएसबी पोर्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ में 3.5 mm जैक खड्डा डेफिनेटली मिलेगा, उसको गायब नहीं कर सकते, उसको गायब कर दिया तो बवाल हो जाएंगे भाई। सो 3.5 mm जैक मिलेगा। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर इस फोन के अंदर आपको नहीं मिलने वाला है, केवल और केवल फेस अनलॉक का ऑप्शन आपको मिलेगा। सो यस, फिजिकल फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है। सेंसर्स की अगर बात करेंगे तो छुटर पुटर इधर उधर के सारे सेंसर्स नहीं मिलेंगे, जायरोस्कोप नहीं रहने वाला है और एक आधा और इंपॉर्टेंट सेंसर यहाँ पर नहीं रहेगा। लाइट सेंसर डेफिनेटली आपको मिलेगा, एक्सेलेरोमीटर मिल जाएगा लेकिन जायरोस्कोप नहीं रहेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लिमिटेड सेंसर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो बताया जा रहा है कि एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको फोन मिलेगा, लेकिन उसी के साथ में रियलमी UI का आर एडिशन मिलेगा, फुल फ्लेज एडिशन नहीं मिलेगा, आर एडिशन मिलेगा, जो कि अच्छी भी बात है। कम रैम के साथ में अगर हमको थोड़ा सा लाइट वेरियंट मिलता है UI का तो फोन का परफॉर्मेंस बेटर आता है। तो सॉफ्टवेयर का एक्सपीरियंस आपका बढ़िया रहेगा, मुझे नहीं लगता कि सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपको शिकायत आने वाली है। स्पीकर्स की अगर बात करेंगे तो ऑब्वियस है भाई, सिंगल स्पीकर्स यहां पर आपको मिलेंगे। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करेंगे तो यहां पर आपको डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट मिलेगा जहां पर दो सिम कार्ड आप लगा पाएंगे, साथ ही में मेमोरी कार्ड भी लगा पाएंगे। और मेमोरी कार्ड में जो आपने होमवर्क स्टोर करके रखा हुआ है, जो अपना स्टडी मटेरियल आपने रख रखा है, उसका आप आनंद ले पाएंगे। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकेशंस बढ़िया है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। वैसे मैंने प्राइस पॉइंट आपको बताया नहीं है तो चलो बता देता हूं, ये वाला जो स्मार्टफोन है मोस्ट प्रोबेबली केवल एक वेरिएंट में लॉन्च होगा, 3GB+32GB वाले वेरिएंट में। एंड प्राइस पॉइंट इसका रह सकता है 6999 रुपीज, 7000 के आसपास बेस वेरिएंट इस फोन का लॉन्च हो सकता है। और 7000 के हिसाब से स्पेसिफिकेशंस अच्छे हैं, दादाजी के लिए, पापा के लिए, ऐसे लोगों के लिए जिनका बहुत ज़्यादा हैवी यूसेज नहीं है, जिनको फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, यूट्यूब चलाना है, मतलब जिनको केवल मल्टीमीडिया कंज्यूम करना है, उनके लिए फोन अच्छा है, उनको दिक्कत बिल्कुल नहीं आने वाली है। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि कैसा लगा फोन का डिजाइन, ये इंपॉर्टेंट है, कमेंट करके बताना। और प्राइस पॉइंट क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये भी आप कमेंट करके बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।